अगर आप कुछ ऐसा मिठाई बनाना सोच रहे हैं जो जल्दी खराब न हो और सफर में भी उसे खाने के लिए ले जाएं, तो यह मीठे खस्ता खजूर की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। यह मीठे खजूर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे बनाने में भी बहुत समय कम लगता है। सबसे खास बात यह है कि यह जल्दी खराब नहीं होगा। इसे आप एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसे घर पर जरूर आप बनाएं। इस रेसिपी को आपको बहुत पसंद आएगा, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक बड़े बर्तन ली हूँ और इसमें 2 कप मैदा मैं डाल दी हूँ। 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा मैं डाल रही हूँ। 1/2 कप सफ़ेद तिल, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, इसे खाने वाले भी सोडा बोलते हैं। तेल या घी जरूर डालें, इससे क्या होता है ना, ये खस्ता खजूर और भी बढ़िया बनेगा। मैदा का आटा लगाते समय आप इसमें मोयम के लिए तेल या घी कोई भी ले सकते हैं। मोयम के लिए 3 बड़े चम्मच घी मैं डाल रही हूँ। घी को गरम कर ली हूँ, ठंड की मौसम है तो घी तो जम ही जाती है, तो इसे गरम करके ही डालें और इसे अच्छे से चलाते हुए सारी चीज़ों को मिला लूँगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। अब एक बर्तन ली हूँ, इसमें 1 छोटा गिलास पानी डाल रही हूँ चीनी को मेल्ट करने के लिए। 1 कप चीनी डाल रही हूँ, 2 कप मैदा था तो इसलिए 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। धीमी आंच पर इसे चलाते हुए अच्छे से पकाऊंगी कि जब तक ले ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। 1/2 कटोरी इसमें चीनी डाल रही हूँ, आप अपने मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी वाला पानी डालकर हल्का सख्त आटा लगा लेंगे और आटे को 5 से 7 मिनट ढककर सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद आटे के बड़े साइज का लोई बना लेंगे। सारी लोई इसी तरह बना लेंगे। अब हम साँचा ली हूँ लकड़ी वाला, अब इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अब एक लोई लूंगी और इसके ऊपर रखकर दबाते हुए चिपटा कर दूंगी कि अच्छे से डिजाइन बन जाएगा और मैदे में तिल सट जाए कि फ्राई करते वक्त नहीं निकलेगा। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से डिजाइन बनकर आया है। अब इसी तरह सारे खस्ता हम बना लूंगी। अब यहाँ पे देखिए हमने सारे खस्ता को रेडी कर ली हूँ। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिए हैं। रिफाइंड अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम खस्ता को एक एक करके डाल देंगे। इतना तेल में 5 से 6 एक बार में फ्राई कर सकते हैं। अब इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे कभी भी हाई फ्लेम पर ना फ्राई करें, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से काचे रहेगा, इसलिए इसे धीमे आंच पर ही फ्राई करें कि बहुत ज़्यादा खस्तादार बनेगा। ये जो हमारा खस्ता है एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो खस्ता है दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह बाकी बचे हुए खस्ता को हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह सारे खस्ता को हम फ्राई कर ली हूँ। ये हमारा मैदा और नारियल का खस्ता बनके तैयार है। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाए। यकीन न माने, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतना ये टेस्टी है कि आप खाते खाते आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, और इसके सामने आपको बिस्कुट फीका लगने लगेगा। इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखिए मैदा और नारियल का खस्ता, आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।